बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज का काम है हमारा फाइल मेन्यू। फाइल पे हमने क्लिक करके न्यू, अगर आप कोई फाइल बनाना चाहते हैं, एक नई फाइल बनाना चाहते हैं, तो फाइल में आके आपने न्यू पे क्लिक करना होगा। न्यू के बाद क्रिएट पे क्लिक करें तो एक नई शीट आपके पास, नई वर्कशीट ओपन हो गई है, आप इसमें अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ओपन, ओपन का मतलब कोई फाइल खोलना, और सेव सेव है, चलें पहले सेव करते हैं। यहाँ पे हमने कोई फाइल बनाई, ये फाइल हमारे पास बन गई है। यहाँ से मैंने ड्रैग करके उसको थोड़ा लंबा कर दिया है फाइल को। अभी इस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं, तो फाइल मेन्यू में हमने सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया तो ये देखें डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ पे हमने अपनी फाइल को सेव करना है, तो वो है डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे फाइल के लिए नेम हमने वलीद दे दिया है। वलीद तो पहले से मौजूद है, हमने डबल डी के साथ लिख दिया है। ठीक है। और फाइल को हमने सेव कर लिया। ठीक है। अभी यही फाइल सदाम को भी इसी फाइल की ज़रूरत है, तो सदाम कहते हैं कि यार यही फाइल मेरे नाम से भी सेव होनी चाहिए, तो आप इसको सेव एस कर लें। सेव एस से इसी फाइल की एक दूसरी कॉपी बन जाएगी। ठीक है। सेव एस से इसी फाइल की एक दूसरी कॉपी बन जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी यहाँ पे आप सदाम लिख लें, डबल एम के साथ हमने लिख दिया, क्योंकि सदाम फाइल हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हमने डबल एम कर। मैं आपको बता दूं कि सेव एज से के लिए शॉर्टकट है F12। अगर आप कीबोर्ड से F12 दबाएंगे तो इससे भी आप फाइल को सेव एज कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है इसके लिए। अभी आपका काम मुकम्मल हो गया है। इस फाइल को आप क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज, तो वो फाइल बंद हो गई है। लेकिन सेव से फाइल से हो गई सेव एज। अगर उसी फाइल को आप एक दूसरे नाम से भी सेव करना चाहते हैं तो सेव एज। ओपन, ओपन का मतलब कल परसों हमने कोई फाइल बनाई तो वो अभी हम ओपन करना चाहते हैं। हमने कहा कि भाई सदाम फाइल हमें ज़रूरत है, सदाम फाइल की ओपन, तो ये सदाम फाइल आ गई है। अगर कोई और फाइल भी ओपन करना चाहते हैं, वलीद फाइल, तो ये वलीद आ गई है ओपन। दोनों फाइल सेम है लेकिन अलग अलग नाम से सेव है हमारे पास। और अगर क्लोज करना चाहते हैं, ये रहा क्लोज, बंद हो गई है। और ओपन भी हमने कर लिया, यानी कि फाइल को खोलना। और इसी के साथ है रीसेंट, यानी कि आखिरी काम हमने जिन फाइलों पे किया है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। देखें हमने वलीद फाइल पे काम किया है, इससे पहले सदाम, उससे पहले सदाम, वलीद, डिवीजन, बुक वन, और इसी तरह जो भी लास्ट काम, फाइनल काम हमने जिन फाइलों पे किया है वो यहाँ पे आ गई है हमारे पास। और अगर हम कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं तो फिर न्यू पे क्लिक करना होगा। ठीक है। हमने फिर न्यू पे क्लिक करना होगा। अच्छा, और इसके साथ अगली कमांड है हमारे पास प्रिंट। प्रिंट का मतलब, यानी कि हमारे पास कोई फाइल मौजूद है और अभी हम उस फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये फाइल है हमारे पास और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास प्रिंट हो जाए, कागज़ पे निकल आए। उसके लिए आपके पास प्रिंटर का होना ज़रूरी है। ठीक है। चलें, ये फाइल मैंने बना ली है। अभी मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आसान सा तरीका है, फाइल पे आगे आपने प्रिंट पे क्लिक करना होगा। प्रिंट, तो ये रहा पेज, यानी कि आपको कंप्यूटर बता रहा है कि भाई मैं तो इसे इस तरीके से प्रिंट करूँगा, यानी कि टॉप से जो मार्जिन है वो इतना है, लेफ्ट का मार्जिन और राइट का मार्जिन और बॉटम का मार्जिन। अच्छा, ये रहा पेज 1 of 2, यानी कि आपके पास जो लिखाई है ये 2 पेजेस में प्रिंट होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करें, ये देखें 1, 2, 2 जो कॉलम है वो पहले पेज में नहीं आ रहे। वजह क्या है? क्योंकि आपकी लिखाई चौड़ाई में काफ़ी हो गई है, तो वो दूसरे पेज में प्रिंट हो रही है। आप देखें 2 कॉलम है जो वो दूसरे पेज में प्रिंट हो रहे हैं। आप स्केप का बटन दबाएं, पहले तो आप कॉलम की चौड़ाई ज़रा कम कर लें, जितना भी हो सकता है आप चौड़ाई कम कर लें। ठीक है। चौड़ाई आपने कम कर ली, अभी आप प्रिंट प्रीव में देखें,
ये रहा प्रिंट, और अभी भी एक कॉलम है जो दूसरे पेज में आ रहा है, और आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये तो पहले पेज में आना चाहिए। उसके लिए आसान सा तरीका है, ये देखें यहाँ पे शो मार्जिन आ रहा है, आप शो मार्जिन पे क्लिक करें तो यहाँ पे लाइंस आ गई हैं, आप इसको यहाँ पे कर लें और इसको थोड़ा इस साइड पे कर लें तो अभी एक पेज में आ रहा है, शो मार्जिन को ख़त्म कर लें तो बस एक पेज में आ गए। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये एक परफेक्ट प्रिंट नहीं होगा, वजह क्या है, यहाँ से मार्जिन काफ़ी कम हो गए हैं, यहाँ से भी मार्जिन काफ़ी कम हो गए। अगर आप इस पेज को किसी फाइल में लगाना चाहते हैं, जब आप इसको किसी फाइल में लगाएंगे स्टेपल्स की मदद से, तो क्या होगा, ये लिखाई जो है ये गायब हो जाएगी, स्टेपल्स में बंद हो जाएगी। तो आपने यहाँ से भी मार्जिन बढ़ाना है और यहाँ से भी मार्जिन बढ़ाना है, तो आपने शो मार्जिन पे क्लिक किया, ये मार्जिन बढ़ा दिया है, यहाँ से भी मार्जिन बढ़ा दिया है। लेकिन जब मार्जिन बढ़ाते हैं तो मसला क्या होता है कि एक कॉलम या दो कॉलम जो हैं वो दूसरे पेज में आ रहे हैं, तो उसके लिए आसान सा तरीका है, आपने लेटर कौन सा लेना है, A4 लेना है आपने, आपने लेटर A4 लेना है। लेकिन A4 से क्या हो गया, दो पेजेस जो हैं वो दो कॉलम जो हैं वो दूसरे पेज पे चले गए, आप फिर मार्जिन थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि अभी मजबूरी है, थोड़ा सा कम कर लें। लेकिन जो एक कॉलम है वो फिट नहीं आ रहा पहले पेज पे, तो आपने नो स्केलिंग पे क्लिक करके क्लिक कर देना है फिट, क्लिक कर देना है फिट शीट ऑन वन पेज, तो अभी आपकी जो सारी लिखाई है वो पहले पेज में प्रिंट हो रही है, एक ही पेज में प्रिंट होगी। लेकिन इसका जो साइज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जूम थोड़ा कम हो जाएगा। आप क्लिक करें कहाँ पे, पेज सेटअप पे, पेज सेटअप में आप देखें एडजस्ट कम हो गया, 89 हो गए, ये वैसे 100 होना चाहिए, लेकिन अगर आप 100 करते हैं तो फिर एक जो कॉलम है वो दूसरे पेज में आ रहा है। अगर आप पेज सेटअप में आके और यहाँ से 89 करते हैं, 89 करने की क्या ज़रूरत है, आप यहाँ से बस एक पेज कर लें वो ऑटोमेटिकली 89 है, 82 है, 92 है, 95 है, जितना भी है वो कंप्यूटर खुद फिट कर लेगा कि इतना होना चाहिए इसके लिए। तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। अभी आप यहाँ से प्रिंट का बटन दबाएं, प्रिंटर सेलेक्ट कर लें कि आपके पास कौन सा प्रिंटर है, फर्स्ट करें हमारे पास HP LaserJet P215 है, तो प्रिंट कर लें तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है।